अरे भाई राजू। हाँ अरे यार टाइम पे आ गया भाई तू। टाइम पर ही आ गया मतलब कोई चल बसा क्या? अरे नहीं मेरे भाई, तुझे ना थोड़ी देर के लिए मेरा बाप बनना है। अरे मेरे लाल, थोड़ी देर की क्या बात है, तू कहे तो परमानेंट बाप बन जाऊं। जितना बोल रहा हूँ ना उतना ही काम कर भाई। नहीं मेरे को नहीं बनना तेरा बाप। अरे मेरी बात सुन, तेरे को मैं इस बात की पैसे दूंगा। कितना? वो काम होने के बाद में तुझे खुश कर दूंगा, बस ये बात है मेरी, ये पक्की जबान है। तेरी बात है तेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा, 10 रुपए दे के ट्रक आ गया। नहीं नहीं नहीं, ये बात पक्का, तेरे को कम से कम 2000 रुपए दूंगा। 2000? अच्छा हाँ। तेरा पापा बनना है? बस 2 घंटे के लिए बनना है भाई। मेरे ना वो रिश्ते वाले आ रहे हैं, लड़की का भाई आ रहा है ना, तो तू 2 घंटे के लिए बाप बन जा, बस उनके सामने लंबी लंबी फेंक देना, ना मत बोलना। ठीक है ठीक है, अच्छा लंबी लंबी फेंक देंगे ना फिर काम हो जाएगा अपना, फिर तुझे कुछ कर दूंगा मैं पक्का। अरे तू है सुबह में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तेरे बैठने से। घर तो काफी बड़ा है। हाँ लो जी पानी पियो। लो बेटा घर में कौन कौन हो आप? अभी तो मैं और पापा ही हैं। हाँ और तो बाकी गांव में रहते हैं। तो बेटा पापा जी नहीं दिख रहे, कहाँ हैं? पापा जी बस आते होंगे। ये लो जी नाम लिए और शैतान आ जी। शैतान? उनका नाम है ना जी शैतान जी। हाँ नाम। अच्छा नाम शैतान जी है। आओ पापा जी आ जाओ आ जाओ। अरे वाह ड्रेस कहाँ चलाया? मैं कैटरिंग में काम करता था मैं पहले। हाँ तो मेरे भाई गड़बड़ मत कर देना कुछ भी। भाई नहीं पापा। हाँ पापा आजा। पापा जी की बड़ी जी। भाई आजा गड़बड़ मत करना। नमस्ते। क्या कर रहा है बेटा? तूने तो कहा था लंबी लंबी फेंकनी है। अरे तो गालिब के पोते शब्दों को ऐसे लंबे लंबे नहीं ले जाना है, आराम से बात कर, गड़बड़ हो जाएगी। और भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया सब मस्त। मेरे तो क्या है कि संगीत के लहजे में बात करने की आदत हो गई है। खुले मिजाज के हैं जी पिताजी। खुला मिजाज का तो देखो आदमी को होना ही चाहिए, और मुझे तो आपका ये नेचर आना बहुत पसंद आया। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि आपका नाम शैतान जी। वाह क्या नाम है शैतान जी। हाँ हाँ अभी लड़के ने बताया ना आपके। अरे मेरे बेटा कभी झूठ बोलता ही नहीं है, लड़के ने बताया तो सही बताया। क्यों बेटे? एक बार पापा बोल। मतलब जो पापा बोले वो ही काम करता है मेरा। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा नेचर है इसका भी, मेरी तरह ये भी खुश मिजाज है। अजी आपका लड़का है खुश मिजाज तो होना ही है। अरे खांसी बहुत आ रही है लड़के को, क्या हो गया? खांसी? टीबी कैंसर कुछ भी हो सकता है, खांसी की क्या बात है? क्या टीबी कैंसर? मिलावट का जमाना है ना, पर इसके नहीं होगा, हमने टीके लगवा रखे, और वैसे भी हम तो देसी लेते हैं। क्या देसी? मतलब खाना पीना जैसे छाछ दही वो दूध घी सब देसी। हाँ, देसी हाँ, देसी खाना पीना, देसी रहना, देसी खाना, कुछ नहीं होगा, एकदम स्वस्थ है, अड्डे कट्टे। और बताओ कैसा चल रहा है कारोबार आपका? है कार में बैठते और बार में पहुंच जाते, कभी कभी आमदनी अच्छी होती है। जी खुश मिजाज है जी, कुछ भी बोल देते हैं। मजाक मजाक में बिजनेस का पूछ रहे हैं पापा जी। बिजनेस किस चीज का बिजनेस है जी? वो प्लास्टिक का। प्लास्टिक या प्लाईवुड? प्लास्टिक प्लास्टिक का व्यापार। वैसे तो खूब बिजनेस है पर प्लास्टिक का ज्यादा है। काफी सालों से चलता आ रहा है और अच्छा भी चल रहा है, हमारा सेट है काम। अच्छा 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 अच्छा। लड़का संभालता है कि आप संभालते हो? अरे इतना कौन संभालता है उसको। टाइम किसके पास में? 2 घंटा सुबह सुबह बस। हाँ संभालने के लिए जाते हैं बस, संभाल के आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। काफी अच्छा सेट बिजनेस है। बढ़िया सेट है, कभी कभार जैसे थोड़ी दिक्कत आती है कभी कभी, और बिजनेस अच्छा है। सुबह 2 घंटे जाओ, जब पानी का लोटा लेके आ रहा बेटा, बस 2 घंटे जाओ और पूरा दिन फ्री। ऐसा कौन सा बिजनेस है प्लास्टिक का, और आती कहाँ से है इतनी प्लास्टिक? 2 घंटे? अरे इस बच्चे को लगते हैं ये 2 घंटे, तो मेरे को तो 1 घंटे लगता था। ये थोड़ा लालची रह गया, मेरे को लालच नहीं, बस अपना जुगाड़ हो गया, आ जाते थे वापस। मालिक है ना। और आप बोल रहे हो प्लास्टिक कहाँ से आती है? प्लास्टिक कहीं से नहीं आती, प्लास्टिक के पास हमें जाना पड़ता है। हाँ 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 ये तो सही है, देखो बिजनेस के लिए तो भागना ही पड़ता है। वैसे आप प्लास्टिक लेने के लिए जाते हो तो कौन सी गाड़ी में जाते हो, और प्लास्टिक कौन सी गाड़ी में आता है?
खूब आता होगा ना ट्रक वरक भर के आए है ना। तारा गाड़ी, अरे इतना झंझट नहीं पालते हम, जीरो इन्वेस्टमेंट का काम है हमारा। अच्छा। हाँ, रिस्क नहीं है हमारे धंधे में बिल्कुल भी। सुबह उठो, हाँ, कट्टा हाथ में लो, और जो जल्दी निकलेगा उसको ज्यादा माल मिलेगा। यूं प्लास्टिक उठाया, बोतल उठाई, डिस्पोजल उठाई, कट्टे में डाले, जो ठूस ठूस के आगे गए कबाड़ी वाले के पास में, वजन करवाया, 500-700 रुपए लिए, शाम 2 घंटे तो घर पे। कचरा चुगते हो आप। अरे कचरा तो आपके लिए है जनाब, हमारे लिए तो वो सोना है, डायमंड है। ये बिजनेस है आपकी, ये प्लास्टिक का व्यापार है आपका। हाँ, इसमें क्या है? अच्छा अच्छा। लो जी पानी पियो। और इस लड़के के लिए ही वो रिश्ता है, हाँ? बात पक्की कर दी, क्यों जचा ना लड़का? एक नंबर का जच गया, और किसी और को भी नहीं जचने दूंगा। आपने बहुत ही अच्छा काम बताया है, आपने पिताजी की फैक्ट्री है ना, उसमें काम करो बेटा, बहुत सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, दोबारा किसी रिश्तेदार को घर पे मत बुलाना तुम लोग, ये करेंगे बेचारे प्लास्टिक का व्यापार। क्या बोला तूने? वो प्लास्टिक के धंधे के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, तो क्या बताया प्लास्टिक के धंधे में? वो मैंने तो, मेरा फोन आ रहा है, मैंने कहा ये लंबा काम है, सुबह कट्टा लेके निकलते हैं, सुबह सुबह चुगते हैं, कबाड़ी वाले के पास में जाते हैं, 500-700 में बेच के आ जाते हैं। आया, आया, अभी आया मैं।